राजनांदगांव ट्रक ड्राइवर एकता संगठन ने कलेक्ट्रेट परिसर के सामने दिया धरना। जनसेवा संगठन ने भी दिया अपना समर्थन। बता दें कि आज कलेक्ट्रेट परिसर के सामने राजनांदगांव में राजनांदगांव ट्रक ड्राइवर एकता संगठन ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन में जनसेवा संगठन के विजय गुप्ता भी शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष विजय गुप्ता ने बताया कि लगातार राजनांदगांव ट्रक ड्राइवर एकता संगठन के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन सरकार इस मामले में सुनवाई के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि लाइसेंसधारी ड्राइवर, बड़ी गाड़ी चालकों, ट्रक बस गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों को गाड़ी मालिकों के द्वारा प्रति माह वेतन 30,000 रुपये बैंक अकाउंट में दिया जाए। साथ ही लाइसेंसधारी ड्राइवरों एवं कंडक्टर की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर केंद्र शासन के द्वारा 3,00,000 रुपये सहायता राशि एवं राज्य शासन द्वारा 1,00,000 रुपये समेत विभिन्न मांगों को लेकर आज वह धरना प्रदर्शन में बैठे। उन्होंने कहा कि अब स्टेयरिंग छोड़ने और आंदोलन करने का वक्त आ गया है। Come on.